गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स पे। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं वो हमारा खरड़ लुधियाना हाईवे पे पड़ता है। ये एक 3 BHK फ्लैट है जो बेसिकली पार्क ईस्ट के नाम से प्रोजेक्ट है ये, और ये नवदेश ग्रुप चला रहा है। अब मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मेन एरिया से, जो है हमारा ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया। जो हमारा ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया का साइज है ये 20x12 का है। यहाँ पे आप आराम से अपना 7-seater रख सकते हो, बीच में आप 2 छोटे टेबल्स भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी पूरे ड्रॉइंग एंड डाइनिंग में। इसी के साथ हमारा डाइनिंग टेबल आ जाता है जो आराम से आप 5-seater या 4-seater रख सकते हो। ड्राइंग एंड डाइनिंग में हमें फॉल सीलिंग भी मिलती है। इसके साथ आपको ये वॉलपेपर भी मिलता है, ये आप अपना वॉलपेपर भी चूज कर सकते हो। आपका एक बेसिकली आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है जिसमें आप अपने डिजाइन भी दे सकते हो वॉलपेपर के लिए। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाना चाहूंगा। ये किचन का जो साइज है वो बेसिकली आपका 7x12 का है, जो एक काफी बड़ी किचन होती है। इसमें आपकी 2x2 की टाइल्स लगी हुई है। आपके पास ऑप्शन है 2x4 की भी टाइल्स आप लगवा सकते हो। यहां पे आपको ग्रेनाइट की स्लैब मिल जाती है। डबल सिंक मिल जाता है और काफी बड़ी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। इसी के साथ हमारे अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं। हमारे लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं। आपको यहां पे आरओ का प्रोविजन मिल जाता है, गीजर का प्रोविजन मिल जाता है। ये एक यू शेप में आपका किचन बनी हुई है जिसमें आपको ज्यादा स्पेस मिल जाती है लोअर कैबिनेट्स में, और इसमें ड्यूल टोन टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है जो 2x4 की टाइल्स है। अब मैं लेके चलता हूं आपको बेडरूम्स की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ये बेडरूम जो है एक राइट पे और एक लेफ्ट पे है। इसके बीच में हमारे पास एक स्पेस मिल जाती है। इस स्पेस में आप कोई भी अपना एक आर्टवर्क यूज कर सकते हो, सीलिंग पे कोई आर्टवर्क करवा सकते हो आप, एक काफी अच्छा डिजाइनर लुक मिल जाता है घर को। हम सबसे पहले एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। इस बेडरूम का जो साइज है वो 12x11 का है। इसमें जैसे आप वॉलपेपर देख रहे हो, आप वॉलपेपर का काम करवा सकते हो, बट वो एक एडिशनल कॉस्ट है आपकी। आप आराम से यहां पे किंग साइज का बेड रख सकते हो। इसमें आपको 2x2 की भी टाइल्स मिल जाती है, 2x4 की मिल जाती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप बिल्डर को अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हो। यहां पे टीवी पैनल का हमारा प्रोविजन आ जाता है। फॉल सीलिंग का भी आप काम करवा सकते हो, जो एक एडिशनल कॉस्ट है। आप इसी के साथ हमारी कबर्ड्स आ जाती है जो हमारी स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, एंड ये सारा जो काम हुआ हुआ है ये दीवार के अंदर हुआ हुआ है, सो काफी स्पेस भी मिल जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको रूम में भी और आपके कबर्ड्स में भी आपको मोर देन इनफ स्पेस है, और ये बिल्डर ने ध्यान रखा हुआ है कि ये अंदर की तरफ उन्होंने बनाया है। इसके आपके शू रैक्स भी आ जाते हैं। इसी के साथ हम एंटर करते हैं हमारे अटैच वॉशरूम में, जिसका साइज 7x5.5 का है। इसमें भी आपको
वॉल पे डिजाइन मिल जाते हैं, इसमें आपकी सेरा की फिटिंग्स हैं, आपको शावर फिटिंग्स एंड टैप जो है वो भी सेरा के ही मिलते हैं, एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है आपको। गीजर का प्रोविजन भी मिल जाता है आपको। इसी के साथ अब हम एंटर करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। ये जो सेकंड बेडरूम का साइज है ये 13x11 का है। इसमें भी आपको 2x2 की टाइल्स मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पे पीछे वॉलपेपर का भी प्रोविजन मिलता है जो एडिशनल कॉस्ट पे आता है। फॉल सीलिंग का भी आप काम करवा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा हर एक रूम में और ड्राइंग रूम में हमारा एसी का प्रोविजन हुआ हुआ है पहले से ही। सारी जो वायरिंग है वो पहले से ही डली हुई है, आपको कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी हमारी इंटरनल कबर्ड भी आ जाती है, लाइटिंग कबर्ड, ताकि आपकी जो रूम का साइज है वो डिस्टर्ब ना हुए। यहाँ पे हमें टीवी पैनल मिल जाता है। इसी के साथ हमारी बालकनी आ जाती है। जो ड्राइंग रूम एंड हमारे ये सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। इसके साथ हम एंटर करते हैं हमारे अटैच वॉशरूम में जो सेकंड बेडरूम के साथ है। इसका जो साइज है वो 5.5x7 का है। इसमें भी आपको विंडोज मिल जाती है और सेरा की फिटिंग्स मिलती है, एंटी स्किड टाइल्स के साथ। वॉल पे भी आप देख रहे हो काफी अच्छा काम हुआ हुआ है, जो टाइल्स का हुआ हुआ है स्क्वेयर शेप में ये टाइल्स लगी हुई है आपकी। सीट एंड फिक्स्चर्स आपको सारा कुछ मिल जाता है इसमें। के साथ हमारा थर्ड बेडरूम भी आ जाता है। थर्ड बेडरूम का जो साइज है वो भी हमारा 12x11 का है। एग्जैक्टली सेम बेडरूम ही है। वॉलपेपर आप अपने मर्जी का करवा सकते हो, फॉल सीलिंग भी आप करवा सकते हो। टीवी पैनल भी आपको मिल जाता है। दोनों बेडरूम्स के साथ भी हमारा बालकनी अटैच है। इसके साथ हमें 6x7 का बाथरूम मिल जाता है। सेम आपकी सेरा की ही फिटिंग्स आती है इसमें। टाइल्स आप बिल्डर को बोल के अपनी मर्जी का भी करवा सकते हो अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन करवाना है। इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, ये वाले जो फ्लैट पे हुआ हुआ काम वो बेसिकली वुडवर्क हुआ हुआ है, चुगाठो का वुड का हुआ हुआ है। आगे जो फर्दर आपको मिलेगी वो सारी यूपीवीसी की फिटिंग्स मिलेगी पूरे के पूरे घर में आपको। अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं इस पूरे फ्लैट के बारे में। ये जो फ्लैट है ये एक 3 BHK फ्लैट है जिसका साइज 1400 स्क्वायर फीट पे है।
इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे 65 स्क्वायर यार्ड का एक गार्डन एरिया मिल जाता है बैक यार्ड में रहेगा, जो हमारे पूरे एरिया को काफी बड़ा कर देता है। जो बेसिकली हमारा 1400 स्क्वायर फीट है वो हमारा 1900 स्क्वायर फीट हो जाता है हमारे गार्डन एरिया और बालकनीज को मिला के। इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 44,90,000 रुपीज है, जिसमें आपको बेसिकली 3 बेडरूम और 3 बाथरूम मिलते हैं, ड्रॉइंग डाइनिंग एंड किचन आपको मिलते हैं। बाकी आपको कोई भी डिटेल्स लेनी है आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे वेबसाइट पे जाके इनके बारे में डिटेल्स ले सकते हो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। बाकी आपको हमारा यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा जहाँ पे आप सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट।